क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में सबसे पहला किसिंग सीन किसने किया होगा? क्या आप बता सकते हैं कि बॉलीवुड का पहला किसिंग सीन कब और किस फिल्म में फिल्माया गया था? इसमें किसने अभिनय किया और किसके साथ? आज किसके नाम पर भले ही आपको बॉलीवुड के किसर बॉय इमरान हाशमी की याद आए या आपको और दूसरे बॉलीवुड सुपरस्टार के किसिंग सीन का याद आ रहे हैं, लेकिन इमरान हाशमी और दूसरे बॉलीवुड सुपरस्टार से कहीं पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस देविका रानी ने किस सीन की शुरुआत की थी, आज हम सुनेंगे फिल्मी कहानी के और एक एपिसोड भारतीय फिल्म की पहले किसिंग सीन की कहानी। वेलकम टू माय चैनल फिल्मिस्तान डायरी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस ना हो तो ऐसा लगता है कि फिल्म अधूरी सी है। आजकल की फिल्मों में तो काफी बोल्ड सीन दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का फर्स्ट किसिंग सीन कब फिल्माया गया था? चलिए हम आपको बता देते हैं। भारतीय फिल्म की पहले किसिंग सीन 89 साल पहले कर्मा फिल्म में फिल्माया गया था। हिंदी सिनेमा में पहले किसिंग सीन ने तहलका मचा दिया था। इतना ही नहीं, ये किसिंग सीन 4 मिनट लंबा था। इस फिल्म में ये सीन देने के बाद देविका की काफी आलोचना भी की गई और फिल्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। कहानी ऐसा है, जब एक खूबसूरत राजकुमारी झुकी और अपने बेहोश प्रेमी को किस करके फिर से जिंदा करने की कोशिश की, तो उसने सिनेमा इतिहास रच दिया। जी हाँ, जिस किस की बात सिनेमा में आपकी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि पहले फिल्मों में ये सब चीजें नहीं होती थी, सिनेमा में तो अब ये सब दिखना शुरू किया है। लेकिन आपको बता दें कि जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब एक फिल्म आई थी और उसने अपने किसिंग सीन की वजह से तहलका मचा कर रख दिया था। वो एक्ट्रेस थी देविका रानी, जिन्होंने ऐसा किया और हर तरफ सनसनी फैला दी। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी और हिमांशु राय ने एक दंपति की भूमिका निभाई। इस फिल्म में दिए गए इस किस सीन को बॉलीवुड का पहला लिप लॉक और बॉलीवुड का सबसे लंबा किस होने को लेकर काफी कुछ लिखा जा चुका है। हिमांशु राय और देविका रानी ने 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, जो भारत का पहला पेशेवर फिल्म स्टूडियो था। इस स्टूडियो ने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दशक को काफी प्रभावित किया और कई ट्रेंड शुरू किए, जिनकी आज भी चर्चा होती है। 63 मिनट की इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म मेकर जेल फ्रियर हंट ने निर्देशित किया और दावा किया कि इसमें असली शाही महलों और एशियाई वैभव को दिखाया गया है। इस फिल्म में उन चीजों की भरमार दिखाई देती है जिन्हें पश्चिम में खास दिलचस्पी से देखा जाता है, जैसे भारतीय शाही तौर तरीके, चीते का शिकार, कोबरा, सांपों का मैथुन और संपेरे। द लॉन्गेस्ट किसर, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका रानी किताब को राष्ट्रपति की ओर से भारतीय सिनेमा पर सबसे बेहतरीन किताब के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। किताब की लेखिका किशोर देसाई कहती हैं, उस समय भारतीय सिनेमा के लिए किसिंग सीन कोई अजीब बात नहीं होते थे, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अधिकांश फिल्में विदेशी दर्शकों के लिए बनाई जाती थी। 1920 और 1930 के दशक की कुछ फिल्मों में किस सीन हुआ करते थे। उनके मुताबिक उस समय की अधिकांश फिल्मों की तरह ही कर्मा में भी एशियाई संस्कृति को नायाब तरीके से पेश करने की कोशिश दिखाई देती है, जो सीन को लेकर बना मिथक। ये किस सीन फिल्म के अंतिम हिस्से में है, जब कोबरा के डसने से मूर्छित पड़े राजकुमार को होश में लाने के लिए महारानी उन्हें बेतहाशा चूमती है। देसाई कहती है, मिथक ये है कि ये किस सीन 4 मिनट का है, लेकिन ये सच नहीं है। ये किस बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा किस सीन भी नहीं है। अगर कहें तो ये एक किस नहीं बल्कि बार बार किए गए कई चुम्बन है। अगर इन सभी के समय को जोड़ा जाए तो भी 2 मिनट से ज्यादा का ये सीन नहीं है। वो बताती है कि उस समय इस फिल्म के लिए ये सेलिंग पॉइंट भी नहीं था। ये मिथक तो बाद में बना और संभव है कि इसमें अखबारों का योगदान रहा हो। कुछ साल तक तो इस तरह के किसी सीन को लेकर फिल्म सेंसर बोर्ड भी बहुत सतर्कता बरतता था और इसीलिए किस सीन की जगह फूल दिखाए जाते थे। फिल्म कर्मा का इसीलिए जिक्र होता है कि इतने साल पहले उसमें किस सीन फिल्माया गया था। हालांकि ये फिल्म उस समय फ्लॉप हो गई थी। अपनी किताब में देसाई लिखती है कि कर्मा की स्क्रीनिंग लंदन के मार्बल आर्ट थिएटर में बड़े धूमधाम से हुई। इस शो में ब्रिटेन के रईस घरानों के कई सदस्य भी पहुंचे थे और अफवाह ये भी थी कि इस फिल्म को देखने के लिए किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भी मौजूद होंगे। देसाई कहती है कि फिल्म को बहुत प्रशंसा मिली, खासकर देविका रानी को लेकर। वो बताती है, फिल्म समीक्षक उनकी सुंदरता और शैली से बहुत प्रभावित थे और यही वो मोड़ है जहां देविका रानी की मौजूदगी मददगार साबित हुई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर की वो रिश्तेदार थी। 9 साल की उम्र से ही वो इंग्लैंड में रही और पढ़ाई की। वो पश्चिमी शैली में ढली थी और असल मायने में कॉस्मोपोलिटन थी। फिल्म ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई और उन्हें भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी स्टार की पदवी पर बिठा दिया, जिन्हें हॉलीवुड और यूरोपीय सिनेमा ने भी हाथों हाथ लिया। लेकिन वो हिमांशु राय के साथ मुंबई लौट आई और भारत का पहला पेशवर स्टूडियो स्थापित किया, जहां वो काम में मशगूल हो गई। उन्होंने एक दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और रुपहले पर्दे पर अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी सफल रही। अछूत कन्या समेत उस समय की कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से बॉम्बे टॉकीज पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि उसका पूरा जर्मन स्टाफ गिरफ्तार कर लिया गया था और अंग्रेजों ने उन्हें एक कैंप में कैद कर लिया था। साल 1940 में हिमांशु राय को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो चल बसे।
इसके बाद देविका रानी ने स्टूडियो को बतौर प्रोड्यूसर चलाया। इसी दौरान उन्होंने मधुबाला और दिलीप कुमार जैसे लीजेंडरी एक्टर्स को ब्रेक दिया और कई हिट फिल्में दी। देसाई कहती है, रोएरिक से शादी के बाद शायद उन्हें वो जिंदगी मिली जो वो चाहती थी। हालांकि उनके चले जाने के बाद बॉम्बे टॉकीज भी बंद हो गया। देसाई कहती है, साल 1954 में पूरी तरह बंद होने से पहले कुछ सालों तक वो घिसता हुआ चला भी। दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय देविका को ही दिया जाता है। 1970 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई। ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी पहली विजेता देविका रानी बनी। इसके अलावा देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला बनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अपने दिलकश अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली देविका रानी 9 मार्च 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिल्मी कहानी और फिल्मी अपडेट के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। ईश्वर आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।